बॉस पद बढ़ना और कद बढ़ना, ये दो अलग अलग चीज। पद बढ़ना कद बढ़ने की गारंटी नहीं होता। इसका एक बड़ा उदाहरण आज की डेट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बनते जा रहे हैं। भाई उनका पद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का तो हो चुका है, पद बढ़ गया, लेकिन उनके बयानों से पूरे विपक्ष के लिए जो मुसीबत खड़ी होती है वो उनका सियासी कद बढ़ने ही नहीं दे रही। अब दो दिन पहले राहुल गांधी के हलवा वाले बयान से जो सियासी रायता फैला था, बीजेपी ने लपक कर उसे सियासी कड़ी पका ली और अब वो चटकारे ले रहे हैं उस कड़ी के और कान से धुआं पूरे इंडिया अलायंस के फेंक रहा है। राहुल गांधी के हलवा और जाति वाले बयान के बाद कल जब बीजेपी ने राहुल गांधी की जाति पूछ ली तो भैया पूरा इंडी गठबंधन उखड़ गया एकदम हत्थे से। कल ही संसद में इन लोगों ने बड़ा बवाल किया, लेकिन विपक्षी खेमे में लगी आग आज भी नहीं बुझी। आज भी इन्होंने लोकसभा में खूब हंगामा किया। अच्छा, उस आग में घी का काम कर दिया पीएम मोदी के एक ट्वीट ने, जिसमें पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर की उसी स्पीच का वीडियो ट्वीट कर दिया, जिसको लेकर पूरा इंडिया अलायंस पहले ही पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा था। इंडी गठबंधन इस बात से और तिलमिला गया कि अनुराग ठाकुर की स्पीच की पीएम मोदी ने तारीफ कैसे कर दी। अनुराग ठाकुर ने बस इतना कहा था कि जिन लोगों की जाति नहीं पता वो जाति की गिनती करवाना चाहते हैं। उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं था, लेकिन इंडी गठबंधन ने इसे राहुल गांधी से जोड़ दिया और एकदम ही बमक गए। ऊपर से पीएम मोदी का ट्वीट देखे तो एकदम आग बबूला। ये क्या चल रहा है? इंडी गठबंधन और कांग्रेस इतना भड़क गए कि पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आ गए। पहले एक बार जरा देखिए एक झलक कि आज दिन भर कैसे संसद में बवाल कटा इसी पर, फिर बवाल को पूरा खंगाल के असली सियासी निचोड़ आज आपके सामने रख दो। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उन्हें। जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर गया हो आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। मम्मी मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। जात जो पूछे राहुल की प्रकट हुआ अज्ञान, मम्मी मम्मी कह के रोए भाई जान। राहुल गांधी के बयान से जो सियासी रायता फैला, जब वो समेटे नहीं सिमट रहा तो इंडी गठबंधन ने आखिरी दांव ये चला कि एक काम करते हैं, इसमें भी पीएम मोदी को लेकर लेकर आ जाते हैं, कोई मुद्दा बना देते हैं, शायद चर्चा का जो रुख है वो बदल जाए। और इसलिए आज पूरे विवाद में इंडी गठबंधन अब प्रधानमंत्री मोदी को घेरने पर आ गया। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने आज प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रख दिया। चरणजीत सिंह चन्नी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस लोकसभा स्पीकर के पास सबमिट किया। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर की जो स्पीच सोशल मीडिया पर शेयर की है उस स्पीच में वो हिस्से भी शामिल है जिसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया था, और इसलिए कांग्रेस कह रही कि पीएम मोदी ने विशेषाधिकार हनन का काम किया है वो उसके दोषी। एक बार कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कल पीएम मोदी ने पोस्ट ऐसा कर क्या दिया जिससे कांग्रेस इतना भड़की हुई है, और राहुल गांधी की कुंडली में जब हमने खंगाला तो क्या निकल कर आया जाति को लेकर। कल जो अनुराग ठाकुर जी ने अपनी स्पीच दी उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल बातें उन्होंने बोली जो कि स्पंज कर दी गई, जो एक्सपंज हो चुकी हैं उनको बाद में ट्वीट करके प्रमोट करना ये मर्यादा के खिलाफ है। तो मैंने स्पीकर साहब को लिख कर दिया है कि हाउस की मर्यादा भंग हुई है और मैंने जो उनके प्राइम मिनिस्टर जी के खिलाफ ये एक प्रिविलेज मोशन दिया है जो अभी उस पर विचार करेंगे हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं। दरअसल कल संसद में अनुराग ठाकुर ने जबरदस्त भाषण दिया था। उन्होंने राहुल गांधी के आधे अधूरे सनातनी ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी। अनुराग ठाकुर के स्पीच की बहुत चर्चा हो रही है। खुद पीएम मोदी ने लोकसभा में अनुराग ठाकुर की स्पीच को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और बताया कि उनके युवा और उत्साही साथी का यह भाषण जरूर सुनने वाला है। इस भाषण में फैक्ट्स और ह्यूमर का परफेक्ट मिश्रण है, इससे इंडी गठबंधन की घटिया राजनीति बेनकाब हो। अब पीएम ने कुछ तो किया नहीं भाई, जो उनके स्पीच का यूट्यूब लिंक था वही ट्वीट किए और लिख दिए कि भाई इससे इंडिया गठबंधन की जो
पॉलिटिक्स है, डर्टी पॉलिटिक्स, वो एक्सपोज हो रही है। इतने में तो आग लग गई इन लोगों को। अच्छा, कांग्रेस जिस तर्क के आधार पर पीएम मोदी को विशेषाधिकार हनन का दोषी बता रही है, उसका हनन तो खुद कांग्रेस कई बार कर चुकी है। पिछले ही सत्र में राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं पर विवादित बयान दिया था, जिसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद कई कांग्रेसी नेताओं ने उस स्पीच के हिस्से को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस हिसाब से तो सबसे पहले विशेषाधिकार हनन का पहला मामला कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बनता है। आपने कैसे पोस्ट किया राहुल गांधी का वो बयान जो हट गया सदन की कार्रवाई से? आप कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। ये जाति पूछ सकते हैं, दूसरा इनसे नहीं पूछ सकता। ये जो कार्रवाई से हट गया हिस्सा है वो पोस्ट कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। इनका अलग लेवल चल रहा है, बाकी देश अलग लेवल पे। जाति वाले मामले पर पीएम मोदी को घेरने के लिए इंडी गठबंधन अब इस मामले में नया नैरेटिव देने में लग गया है। कल तक इंडी गठबंधन ये कह रहा था कि अनुराग ठाकुर ने जाति का सवाल पूछकर राहुल गांधी का अपमान किया। आज इंडी गठबंधन ने माहौल यह बनाया कि जाति का सवाल पूछकर अनुराग ठाकुर ने दलित और पिछड़ों का अपमान किया। राहुल गांधी दलित और पिछड़ा है क्या? और पीएम मोदी ने स्पीच की तारीफ कर यह बता दिया कि वो दलित और पिछड़ा विरोधी है। सुनिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता इस कैसे इस मामले में दलित और पिछड़ों के अपमान के नैरेटिव ले आए हैं। उसके बाद आपको बताता हूं कि इसमें और आज क्या बवाल मचा। समाज के दलित, आदिवासी और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को ठेस पहुंची, चोट पहुंची, क्योंकि समाज के हर वर्ग, चाहे दलित हो, ओबीसी हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और उनके मांग पर कल तंज किया गया भाजपा की तरफ से, हंसी मजाक किया गया, अपमान किया गया। और दुख की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री शाम को अपने ट्विटर के द्वारा उसी भाषण की प्रशंसा करते हैं। वो उस भाषण की प्रशंसा करते हैं जो जाति जनगणना के खिलाफ है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी उस भाषण को समर्थन करते हैं जिसमें दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, आदिवासियों, भाई बहनों का अपमान किया गया है। कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में दलित भाइयों के लिए, पिछड़े भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए कोई स्थान नहीं है, सरेआम संसद में अपमानित किया जा रहा है। जाति जनगणना के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, सरकार लगातार डिनाई कर रही है। और जितना भी सरकारी सेवाएं हैं उसमें लगातार आरक्षण खत्म किया जा रहा है। लगातार जितनी उपेक्षा हो सकती है दलित, पिछड़े, आदिवासियों की, वो सामने है। और अब तो हालत ये हो गई कि हम पिछड़े दलित भाइयों के जो पैरोकार हैं या जो लोग हैं उनको गालियाँ दी जा रही हैं, सरेआम संसद में गालियाँ दी जा रही हैं। और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री जी तक उनके पीछे खड़े हुए हैं। जो विपक्ष है उसका एक टैलेंट तो गजब का है बॉस, वो आम को इमली बनाकर भी बोल सकते हैं, वो किसी चीज को किसी चीज से जोड़ सकते हैं। राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए पूछा गया कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जाति पूछते हैं, उनकी जाति क्या है, उसको जोड़ रहे हैं कि दलित और पिछड़ों और आदिवासी का अपमान हो गया। कौन से हिसाब से बॉस? राहुल गांधी दलित हैं, राहुल गांधी पिछड़े हैं, राहुल गांधी आदिवासी हैं? अभी बताऊंगा उनकी कुंडली जब हमने खंगाली तो क्या निकला है, लेकिन कौन से एंगल से अपमान हो गया? अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आरक्षण हर क्षेत्र में खत्म किया जा रहा है। कौन से क्षेत्र में आरक्षण खत्म हो गया भाई? कुछ भी बोल देना है। इंडी अलायंस दरअसल अब गोल पोस्ट चेंज करने लगा। राहुल गांधी के अपमान से कैसे सेंटीमेंट मिलेगा? तो भैया एक काम करो, इसको दलित पिछड़ों से जोड़ो। अब इंडी गठबंधन कह रहा है कि जाति का सवाल पूछकर दलितों और पिछड़ों का अपमान हुआ, यानी राहुल गांधी पर सवाल को दलित पिछड़ों की राजनीति से जोड़ा जा रहा है। और इसमें पूरा इंडी गठबंधन एक्टिव हो गया। अखिलेश यादव को सुनिए और देखिए कि कैसे इंडी गठबंधन अब इस पूरे मामले में नैरेटिव बदलने का प्रयास कर रहा है। मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। इंडी गठबंधन की इस जाति वाली राजनीति के टारगेट पर अब सीधे पीएम मोदी आ गए, क्योंकि पीएम ने अनुराग ठाकुर की स्पीच की तारीफ कर दी। और हमने आपको कल ही समझाया कि इंडी अलायंस को एक बात समझ में आ गई।
कि भाई मुसलमान का वोट तो बल्क में मिल जाता है, हिंदू वोट नहीं मिल पा रहा, और वो तब तक नहीं मिलेगा जब हिंदू को बांटकर बात नहीं होगी, और जब तक बांटकर बात नहीं होगी तब तक आप अलग अलग जो जातियां हैं उसकी बात नहीं करेंगे, उसमें उसको तोड़ के बात नहीं करेंगे, तो आप नरेंद्र मोदी के वोट बैंक को नहीं तोड़ पाए। इसलिए ये पूरा काम चल रहा है। आज इंडी गठबंधन में लोकसभा में इसी बात पर खूब हंगामा हुआ। अनुराग ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी की गई, संसद के बाहर खूब माहौल बनाया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम को अनुराग ठाकुर की स्पीच ट्वीट करने की जरूरत क्या थी। राहुल गांधी के भाषण को आप लोग काहे ट्वीट किए थे जब वो हट गया था संसद की कार्रवाई से। उधर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी से किसी ने उनकी जाति पूछी ली तो गलत क्या पूछ लिया।